हेलो एवरीवन वेलकम आज हम लोग सेशन फिफ्टीन डिस्कस करने वाले हैं कलर कोडिंग मैंने कर दी है लैटिन और ग्रीक रूट्स मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किए हैं और इंग्लिश वर्ड्स मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है लैटिन और ग्रीक दोनों ही रूट्स हैं आज के सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं और ऑरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स वेल नोन हमने एक वर्ड पढ़ा था नोटोरियस जिसका मतलब था वाइडली बट अनफेवरेबली नोन मतलब कि वो फेमस तो है लेकिन बुरे कामों के लिए ओके वाइडली बट अनफेवरेबली नोन इज द कॉमन डेफिनेशन फॉर नोटोरियस जस्ट एज ए नोटोरियस लायर इज वेल नोन फॉर अन अनिलइबल स्टेटमेंट सो अ नोटोरियस गैम्बलर अ नोटोरियस थीफ और अ नोटोरियस किलर हैज अचीव्ड अ वाइड रिप्यूटेशन फॉर सम फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर ओके इसका नाउन है नोटोरिटी ठीक है देखिए फेमस एक एडजेक्टिव है उसका नाउन होता है फेम ठीक है तो नोटोरियस हो गया बुरे कामों के लिए फेमस तो इसका जो नाउन है नोटोरिटी इसका मतलब होगा इल फेम इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी इल फेम फेम हो गया नाउन लेकिन कैसा किस तरह से फेमस है वो फॉर सम बैड क्वालिटी फेम क्या है आप कह लीजिए या फिर फेम फॉर बीइंग बैड इसका जो रूट है वो है लैटिन का नोटस जिसका मतलब होता है नोन फ्रॉम विच वी ऑल्सो गेट नोटेड नोटेड पर्सन भी फेमस होते हैं लेकिन नोटेड पर्सन गुड क्वालिटी के लिए फेमस होते हैं और नोटोरियस पर्सन बैड क्वालिटी के लिए फेमस होते हैं ये है ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस ओके नोटस रूट से कुछ एक दो वर्ड्स में आप लोगों को और बताता हूं जैसे कि नोटिस या फिर नोटिफिकेशन इन सभी में जो रूट है वो है लैटिन का नोटस जिसका मतलब होता है नोन यहां पर इन्होंने दो वर्ड्स और बताए हैं चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक -like हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी के बचकाना हरकतों को हम एडमायर करते हैं और चाइल्डिश हम तब यूज़ करेंगे जब हम उसके उस हरकत उन्हीं हरकतों को हम उस हम हेट करते हैं लाइक like और आई एस एच ये दोनों ही एडजेक्टिव सफिक्स हैं आगे बढ़ते हैं हमने एक एडजेक्टिव देखा था कॉन्जूमेट इसमें जो रूट है वो है लैटिन का समस जिसका मतलब होता है हाइएस्ट इससे हमने एक और वर्ड हमने देखा अभी हम देखेंगे समिट समिट होता है द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड एज यू नो द समिट ओके अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन समस जिसका मतलब होता है हाइएस्ट विच ऑल्सो गिव्स अस द मैथमेटिकल टर्म सम सम भी एक नया वर्ड हमने पढ़ा जो कि लैटिन समस पे बेस्ड है एज इन एडिशन सम का मतलब होता है ऐड करना चीज़ों को जोड़ना तो अ कंज्यूमेड आर्टिस्ट हैज रीज द वेरी हाइस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन बहुत ज़्यादा स्किलफुल है जितना हो सकता था उस पॉइंट पर है वो एंड टू कॉन्ज्यूमेट देखिए ये टू लगा हुआ है तो फिर ये टू कॉन्ज्यूमेट एक वर्व है जिसका मतलब होता है कंप्लीशन कंज्यूमेट एक एडजेक्टिव भी है और कंज्यूमेट एक वर्व भी है एज एन एडजेक्टिव कॉन्जूमेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना और एक वर्ब कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना टू ब्रिंग इट टू कंप्लीशन ओके आगे बढ़ते हैं अब दो इम्पॉर्टेंट रूल्स वो कैबलरी के लैंग्वेज फॉर्मेशन के इन्होंने यहाँ पर बताए हैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा ये रूल नंबर वन है रूल नंबर टू यहाँ पर है पहले रूल नंबर वन देखते हैं देखिए जब भी हमें किसी एडजेक्टिव से नाउन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं उसके लास्ट में नाउन सफिक्स एन ई डबल एस लगा देते हैं जैसे स्वीट से बना दिया स्वीटनेस सिंपल से बना दिया सिंपलनेस इनवियस से बना दिया इनवियसनेस ओके जनरल रूल इन्होंने बत बताया है कि कभी भी किसी भी एडजेक्टिव से अगर नाउन बनाना है तो ये एक रूल होता है जो हमने लैंग्वेज को बनाने के लिए फॉलो किया है तो कॉन्ज्यूमेट एक एड्जेक्टिव है उससे अगर हमें नाउन बनाना होगा तो हम नेस लगा देंगे तो हमारा बन गया कॉन्ज्यूमेट नेस ओके या फिर एक ऑल्टरनेट नाउन फॉर्म भी है कॉन्ज्यूमेट का वो है ओके रूल नंबर टू है कॉन्ज्यूमेट वर्ब कोई भी ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में ए टी ई आता है अगर मुझे इससे नाउन बनाना है तो मैं नाउन सफिक्स यूज करूंगा आई ओ एन जैसे क्रिएट का क्रिएशन हो गया ए टी ई जो वर्ब लगा हुआ था वर्ब सफिक्स लगा हुआ था उसके ऊपर मैंने आई ओ एन लगा दिया सफिक्स पे सफिक्स लगा दिया सफिक्स वो होता है जो वर्ड्स के लास्ट में लगाते हैं लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सफिक्स के ऊपर सफिक्स नहीं लगा सकते यहाँ पर वही काम हुआ है सफिक्स के ऊपर सफिक्स लगाया गया है अब आप कहेंगे ये ई कहाँ गया ई हमने हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी आई आ रहा था तो ई की कोई ज़रूरत नहीं थी इवेलुएट का बन गया इवेल्युएशन तो कॉन्ज्यूमेट का बनने का कॉन्ज्यूमेशन यहां मैं लिख देता हूं ओके okay. तो नाउंस आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय द एडिशन ऑफ द नाउंस ऑफिक्सनेस जैसे स्वीट का स्वीटनेस सिंपल का सिंपलनेस इनवियस का इनवियसनेस मेनी एडजेक्टिव्स हाउ एवर अल्टरनेट नाउन फॉर्म्स एंड द एडजेक्टिव कॉन्ज्यूमेट इज वन ऑफ देम टू मेक अ नाउन आउट ऑफ कॉन्जूमेट एड आइदर नेस और ए सी वाई एक तो हमने रूल को फॉलो करके हमने नेस लगा करके नाउन बना दिया एब्जेक्टिव से और दूसरा एक ऑल्टरनेट नाउन फॉर्म था कॉन्जूमेसी वो हमने लिखा है यहाँ पर और रूल नंबर टू अगर वर्व से अगर हमें नाउन बनाना है तो वर्व एट के बाद आप आई ओ एन सफिक्स लगा दीजिए मैंने एट सफ़िक्स के बारे में आप लोगों को पिछले सेशन में बताया है कि ये एट सफ़िक्स एक एडजेक्टिव भी हो सकता है नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है यहाँ पर हम एट वर्ब्स की बात कर रहे हैं जैसे क्रिएट वर्फ क्रिएट वर्ड हो गया जिसमें एट आया है तो क्रिएट का क्रिएशन इवेल्यूएट का इवेल्यूएशन तो कॉन्जूमेट का कॉन्जूमेशन अच्छा कॉन्जूमेशन की डेफिनेशन क्या होगी कॉन्जूमेट का मतलब क्या होता है कॉन्जूमेट का मतलब होता है टू कम्प्लीट टू ब्रिंग इट टू कम्प्लीशन तो कॉन्ज्यूमेशन की डेफिनेशन हो जाएगी कंप्लीशन मतलब उसका मतलब हो जाएगा कंप्लीशन इसी तरह से कंजुमेटनेस ये भी तो एक नाउन है जो कि कंजुमेट एडजेक्टिव से बना है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंजुमेटनेस या फिर कॉन्ज्यूमेसी की देखिए कंजुमेट एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती थी कॉन्जूमेट एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती थी स्किलफुल uh, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना तो कॉन्जूमेटनेस की डेफिनेशन हो जाएगी द हाइट ऑफ बींग वेरी वेरी स्किलफुल ठीक है कॉन्जूमेटनेस की डेफिनेशन कंप्लीशन नहीं होगी अगर हम इसको एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफाइन करेंगे करेक्ट है मैं आगे बढ़ता हूँ हमने एक और वर्ड पढ़ा था एक और एडजेक्टिव पढ़ा था इनकोरिजिबल इनकोरिजिबल का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड तो कॉल पीपल इनकोरिजिबल इफ़ दे डू एनी थिंग टू एक्सेस बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इफ ऑल एफर्ट्स टू करेक्ट और रिफॉर्म देम आर ऑफ नो अवेल अवेल का मतलब होता है यूज़ तो नो no अवेल मतलब नो यूज़ ठीक है वो आप उसको आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते आप उनको रिफॉर्म नहीं कर सकते जैसे एन इनकोरिजिबल आइडियलिस्ट उसने अगर कोई सोच बना ली है तो उसी पर वो अमल रहेगा एंड इनकोरिजिबल क्रिमिनल एंड इनकोरिजिबल ऑप्टिमिस्ट ओके और एन इनकोरिजिबल फिलैंडर द वर्ड डिराव फ्रॉम लैटिन कॉरीगो इसमें जो रूट है वो है लैटिन का कॉरीगो जिसका मतलब होता है टू करेक्ट और टू सेट स्ट्रेट प्लस द नेगेटिव प्रिफिक्स इन यहाँ पर जो प्रिफिक्स लगा हुआ है इन वो एक नेगेटिव प्रिफिक्स है इस वर्ड में अच्छा इन प्रिफिक्स के बारे में इन्होंने एक बात बताई है दिस प्रिफिक्स डिपेंडिंग ऑन द रूट इट प्रिस मे बी नेगेटिव मे इंटेंसीफाई द रूट एज इन इन वैल्यूएबल और मे मीन इन मतलब ये इन जो प्रिफिक्स है वो नेगेटिव भी हो सकती है या फिर सिंपली उसका मतलब हो सकता है इन जैसे कि इंसेक्ट में इन साइड में या फिर वो किसी रूट को जिसके साथ वो जुड़ी हुई है उसको इंटेंसीफाई कर सकती है मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा सकती है जैसे कि इन वैल्यूएबल Invaluable में इन in प्रिफिक्स लगा हुआ है जिसका मतलब इनवैल्यूबल वर्ड का मतलब होता है वेरी वेरी ओके इसी तरह से ingenious एक वर्ड है इसमें भी जो लगा हुआ है इन इंजीनियस है in. का मतलब होता है वेरी वेरी जीनियस इसी तरह से इनफ्लेमेबल एक वर्ड है इसमें भी इन प्रिफिक्स लगा हुआ है जो इस वैल्यू को बढ़ा रहा है मतलब वेरी वेरी फ्लेमेबल कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ज्यादा आग से जल जाता है उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ज्यादा आग को कैच करता है फायर को कैच करता है उसको कहेंगे इनफ्लेमेबल ओके आगे बढ़ते हैं द नाउन इज इनकोरिजिबिलिटी इनकोरिजिबिलिटी नाउन है तो नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे ओके okay, इनकोजिबिलिटी हो गई द इनएबिलि द इनएबिलिटी टू बी रिफॉर्म्ड और ऑल्टरनेटिवली हमने नेस लगा दिया तो इनकोरिजिबल नेस ओके एडजेक्टिव के बाद आप नेस लगा दें देखिए ये कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं है लेकिन आ, फिर भी कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज को बनाया गया है और इस रूल्स के एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि ये फिजिक्स तो है नहीं कि कोई अगर फार्मूला है तो फिर वो यूनिवर्सल फार्मूला होता है जो हर जगह काम करेगा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ कंसेप्ट जिनको आप समझ लेंगे तो लैंग्वेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये बुक आपको वही सिखाती है केवल डिफिनेशन याद कर लेने से उसके दो चार एंटोनीम और याद कर लेने से आप कभी भी आप अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा और ये बुक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान बेसिक तोड़ करके आपको सिखाती है बेसिक सिखा देती है तो फिर आपको आपकी वोकेबलरी बहुत आराम से बनेगी आगे बढ़ते हैं वेटरन्स। हमने एक एडजेक्टिव पढ़ा था इनविटरेट। ओके इनविटरेट का मतलब था डीप रूटेड कोई भी ऐसी हैबिट डीप रूटेड उसको हम कहेंगे इनविटरेट। इनविटरेट में जो रूट है वो है लैटिन का वेटस जिसका मतलब होता है ओल्ड जनरली इंडिकेट्स डिसअप्रूवल इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हम इस रूट को इन अ नेगेटिव कंटेक्सट में ही यूज़ करेंगे हम उसको एज अ पॉजिटिव वर्ड की तरह यूज़ नहीं करेंगे मतलब कि कोई ऐसा हैबिट कोई गलत हैबिट के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे अच्छी हैबिट्स के लिए हम इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे जैसे इनविटरेट गैम्बलर्स इनवेटरेट ड्रिंकर्स इनविटरेट लायर्स ये सब नेगेटिव कंटेक्सट में इस वर्ड को यूज किया गया है ओके okay. आगे बढ़ते हैं द नाउन इज इनविटरेसी और हमने रूल को फॉलो किया इन्वेटरेटनेस ठीक है तो इन्वेटरेसी को डिफाइन करते हैं इन्वेट इन्वेटरेसी uh, एक नाउन है तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग डीप रूटेड या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग परसिस्टेंट ठीक है इन्वेटरेटनेस की भी डिफिनेशन वही हो जाएगी द क्वालिटी ऑफ बीइंग परसिस्टेंट या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग डीप रूटेड या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओल्ड इन एनी हैबिट याद रखिएगा ये नेगेटिव सेंस में ही यूज़ करेंगे किसी अच्छी हैबिट uh, के लिए हम इसको यूज़ नहीं करने वाले कंटेक्स्ट आपको याद होना चाहिए पता होना चाहिए ओके okay, नया वर्ड है अ वेटरन वेटरन अगर मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ तो वेटरन वो पर्सन होता है जो कि बहुत सालों से आद, आ, अपनी कंट्री को सर्व कर चुका होता है अ वेटरन एज ऑफ द आर्म फोर्सेस ग्रीव ओल्डर सर्विंग द कंट्री ये एक कंटेक्स्ट हो गया अदरवाइज़ हम जनरली अ वेटरन इज़ एन ओल्ड हैंड एट द गेम एंड एंड देयर फॉर स्किलफुल वेटरन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्किलफुल अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सालों से आर्मी को सर्व कर रहा है अगर मैं जनरल कंटेक्स्ट की बात करूँ तो एक ऐसा पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है तो वेटरन इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है स्किलफुल इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे एज अ वेटरन एक्टर वेटरन टीचर अ वेटरन डिप्लोमैट अ वेटरन पॉलिटिकल रिफॉर्मर ओके ओके द वर्ड इज बोथ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ठीक है एज अउन हम इसको कैसे यूज करेंगे अ वेटरन एट लगा करके आगे बढ़ते हैं यहां पर एक फुट नोट दिया हुआ है लैटिन सेनेक्स जो ऊपर था ठीक है हमने एक रूट पढ़ा था लैटिन का सेनेक्स जिसका मतलब ये रूट को हमने देखा जिसका मतलब होता था ओल्ड इस रूट को हमने देखा था सिनाइल और सेनेसेंट में ठीक है यू विल रिकॉल मीन्स ओल्ड अभी जो हमने रूट पढ़ा लैटिन वेटस उसका भी मतलब ओल्ड होता है और लैटिन से एक और रूट है सेनेक्स जिसका मतलब होता है जिसका भी मतलब ओल्ड होता है इन In, इन्वेटरेट मीन्स इन यहां पर इन एक नेगेटिव प्रिफिक्स नहीं है यहां पर इन का मतलब सिंपली इन है इट इज नॉट द नेगेटिव प्रिफिक्स फाउंड इन इनकोरिजिबल आगे बढ़ते ग्रीक जेनेसिस वर्ड ये रूट हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका मतलब होता है बर्थ और ऑरिजिन और रूट भी डिस्कवर्ड इन सिंग साइकोजेनिक साइकोजेनिक मतलब साइको मतलब माइंड साइकी मतलब माइंड ओके प्लस जेनेसिस मतलब बर्थ और तो साइकोजेनिक मतलब ऑरिजीनेटिंग इन द माइंड इज द सोर्स ऑफ अ ग्रेट मेनी इंग्लिश वर्ड्स ओके कुछ वर्ड्स देखते हैं जो ग्रीक जेनेसिस पर बेस्ड है पहला है जेनेटिक्स जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है इज द साइंस दैट ट्रीट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स हेरीडिट्री करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हेरीडिट्री करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आई आंखों का कलर नोज नोज़ का शेप हेयर का टेक्सचर किसी का स्किन कलर ठीक है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से आती है उनको कहते हैं हेरीडिट्री करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इनकी स्टडी इस चीज़ की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स ओके जो पर्सन है उसको कहेंगे जेनेटिसिस्ट और जो एडजेक्टिव हो गया उसको कहेंगे जेनेटिक ओके रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ओके आगे बढ़ते हैं द uh, पार्टिकल एक नया वर्ड है जीन जीन क्या होता है द पार्टिकल इन द क्रोमोजोन ऑफ द जर्म सेल कंटेनिंग अ हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ जीन वो सेल जो कि हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन कैरी करती है उसको कहेंगे जीन नेक्स्ट वर्ड है जीनियोलॉजी जीनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैमिली ट्रीज और एंसेस्ट्रल ओरिजिन इसमें जो रूट है वो है जेनेसिस प्लस लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी द प्रैक्टिशनर इज अ जीनियोलॉजिस्ट उस पर्सन को कहेंगे जीनियोलॉजिस्ट ओके कैन यू फॉर्म द एडजेक्टिव मैंने आप लोगों को रूल बताया है कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में ओ एल ओ जी वाई आता है या फिर एल ओ जी वाई भी आ, आता है तो उससे अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हम जो सफिक्स का यूज करेंगे वो है आई सी एल तो जीनियोलॉजी का बन जाएगा जीनियोलॉजिकल ओके आगे बढ़ते हैं द जेनिटल और सेक्सुअल ऑर्गनस द जेनिटल ऑर्गन्स और सेक्शुअल तो जेनिटल का मतलब क्या हो गया आप लोग रूट का होना आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ठीक है इसमें है रूट ग्रीक का जेनेसिस जिसका मतलब हो गया बर्थ और ओरिजिन तो जेनिटल तो मतलब रिलेटिंग टू सेक्शुअल ऑर्गन्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द बर्थ और ओरिजिन ऑफ ऑफ स्प्रिंग करेक्ट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ ठीक है द जेनेसिस जेनेसिस हो गया नाउन जिसका मतलब होता है बिगनिंग और बर्थ और ओरिजिन एंड जेनेसिस ये कैपिटल जी वाला जेनेसिस क्या है ये ये बाइबल की पहली बुक थी जिसमें ये लिखा गया है कि कैसे धरती कैसे भगवान ने धरती को क्रिएट की कैसे ये यूनिवर्स बना जेनेसिस द फर्स्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट डिस्क्राइब्स द क्रिएशन और बर्थ ऑफ द यूनिवर्स आगे बढ़ते हैं कॉन्जेनेटल हम ये एडजेक्टिव देख चुके हैं कॉन्जेनेटल का मतलब होता था फ्रॉम बर्थ इसको डिकोड करते हैं इसमें प्रिफिक्स लगा हुआ है कॉन जिसका मतलब हो गया विथ या टुगेदर प्लस ग्रीक का जेनेसिस प्लस ए एल लगा हुआ है हमारा एडजेक्टिव सफिक्स तो कॉन्जेनेटल इज फ्रॉम बर्थ ओके स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ कॉन्जेनेटल इज कंस्ट्रक्टेड बाई कंबाइनिंग द प्रिफिक्स कॉन जिसका मतलब है विथ और टुगेदर एंड द रूट जेनेसिस जिसका मतलब होता है बर्थ सो वह कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी डिफेक्ट डिफॉर्मिटी कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है एट्सेट्रा वो होती है दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द नाइन मंथ बर्थ प्रोसेस और पीरियड ऑफ जस्टेशन पीरियड ऑफ जस्टेशन क्या है जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो नौ महीने की पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ जस्टेशन तो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट डिफॉर्मिटी वो होती है जो उस नाइन मंथ के पीरियड में हुई हो कुछ गलत हो गया हो उस वजह से जो डिफॉर्मिटी होगी उसको कहेंगे कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी यहाँ पर इस वर्ड को एक और वर्ड हेरिडिट्री से कंपेयर करना ज़रूरी है हेरिडिट्री का मतलब वो ये होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आई है ओके हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द अदर हैंड आर एक्वायर्ड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन दस आई कलर नो शेप हेयर टेक्स्चर एंड अदर सच क्वालिटीज़ आर हेरिडिट्री देखिए हेरिडिटी तो वो होता है जो कि आनी ही थी क्योंकि वो उसकी जीन वो उसके जीन में है वो उसके खून में है जैसे आई कलर नोज शेप हेयर टेक्स्चर लेकिन कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी अगर कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो ये उसके जीन्स में नहीं है ये कुछ गलत हुआ होगा वो नौ महीने के प्रोसेस में उस नौ महीने के पीरियड में तो हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल ओके थैलीडोमाइड बेबी रिजल्टेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ द ड्रग बाई ए प्रेगनेंट वुमेन सो द डिफॉर्मिटीज़ वेयर कॉन्जेनेटल थैलीडोमाइड एक ऐसी दवाई है एक ऐसा ड्रग है ऐसा सीडेटिव है जो पहले लीगल था और प्रेगनेंट वुमेन को दिया जाता था ओके okay? लेकिन बाद में पता चला कि इस दवाई की वजह से कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं जो बच्चे हो रहे हैं उनके लिम्स में हाथों में पैरों में डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं तो वो डिफ़ॉर्मिटी कॉन्जेनेटल है क्योंकि वो उसके जीन्स में नहीं है वो इसकी वजह से हुई है ओके okay, जो चीज़ जीन्स में होती है उसको हम कहेंगे हेरिडिट्री, ठीक है इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया आगे बढ़ते हैं। कॉन्जिनेटल इज़ यूज बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली लिटरली मतलब होता है इन द एक्चुअल सेंस जो उसका एक्चुअल मीनिंग है और फिगरेटिवली मतलब होता है एज एन एग्जाम्पल एक मुहावरे की तरह ओके okay, जैसे लिटरली द वर्ड जेनी द वर्ड जनरली रिफर्स टू सम मेडिकल डिफॉर्मिटी और एब ऑकरिंग ड्यूरिंग जस्टेशन वो नाइन मंथ का जो पीरियड होता है उसमें अगर कुछ गलत हो गया तो हम डिफॉर्मिटी जो हुई होगी उसको कहेंगे कॉन्जेनेटल फिगरेटिवली मतलब एज एन एग्जाम्पल हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉन्जेनेटल लायर मतलब कि ज़ाहिर सी बात है वो पैदा होती हैं तो झूठ नहीं बोलेगा एक छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है लेकिन फिर भी हम कॉन्जिनेटर को एज एन एग्जाम्पल यूज किया है जो ये बताता है कि बहुत ही अर्ली एग्जिस्टेंस से वो ये काम करता आ रहा है चलिए रिव्यू ऑफ एटीमोलॉजी करते हैं नोटस हमने पढ़ा लैटिन नोटस जिसका मतलब होता था नोन ओके नोटोरियस हम हमने पढ़ा नोटोरिटी ठीक है फेम समस लैटिन समस हो गया हाईएस्ट हमने देखा था समिट देखा था सम देखा था कॉन्ज्यूमेड देखा था लैटिन कॉरिगो हमने देखा जिसका मतलब टू करेक्ट सेट स्ट्रेट इसमें हमने नेगेटिव प्रिफिक्स लगा दिया इन तो बन गया इन कॉरिजिबल जिसको हम ठीक नहीं कर सकते दैट कैन नॉट बी करेक्टेड उसका नाउन नाउन देखा था लैटिन वेटस लैटिन सेनेक्स दोनों का ही मतलब होता है ओल्ड ठीक है वेटस का वेटस से हमने रूट इस रूट से हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जैसे कि इन्वेटरेट देखा इन्वेटरेसी वेटरन देखा हमने सेनेक्स से हमने पहले देखा था कुछ सेशंस पहले सिनाइल सेनेसेंट ओके ग्रीक जेनेसिस जिसका मतलब है बर्थ या ओरिजिन हमने जेनेटिक्स देखा जीनियोलॉजी हमने देखा जीन देखा कॉन्जेनिटल देखा था साइंस और स्टडी लोगोस जो हम पढ़ते आ रहे हैं इन इज नेगेटिव प्रिफिक्स भी हो सकता है इन का मतलब सिंपली इन भी हो सकता है प्लस इन किसी रूट के साथ जिस रूट के साथ कंबाइन हुआ है उसको इंटेंसिफाई भी कर सकता है जैसे इन वैल्युएबल मतलब वेरी वेरी वैल्यूएबल यूजिंग द वर्ड्स पर आते हैं कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स नोटोरिटी इज अउन जो फेम बताता है किस तरह का फेम इन फेम या फिर फेम फॉर सम बैड फेम फॉर बीइंग बैड बुरा होने के लिए जो फेम बुरा होने पर जो फेम जो मिला वो टू कॉन्ज्यूमेट वर्व है जिसका मतलब होता है कंप्लीट करना ओके कॉन्ज्यूमेसी कॉन्ज्यूमेसी और कॉन्ज्यूमेशन ये हो गया नाउन फॉर्म ए सी वाई हमने पहली बार हमने देखा है इज अ नाउन सफिक्स ओके और कॉन्ज्यूम कंज्यूमेशन भी नाउन है ये दोनों ही नाउन है आगे बढ़ते हैं इनकोरिजिबिलिटी आई टी वाई लगा हुआ है तो नाउन है इनकोरिजिबिलिटी एक नाउन को नाउन की तरह हम हम डिफाइन करेंगे इनएबिलिटी टू बी रिफॉर्म्ड इनविटरेसी इनविटरेसी भी एक नाउन है ए सी वाई नाउन साफिक्स द स्टेट द क्वालिटी या फिर द स्टेट ऑफ बींग डीप रूटेड या फिर द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग परसिस्टेंट ठीक है इनविटर सॉरी इनविटरेट होता था डीप रूटेड ठीक है तो नाउन को हमने हमने नाउन की तरह डिफाइन किया वेटरन हो गया हमारा इसके हमने दो कंटेक्सट देखे थे अगर कोई आर्मी में बहुत ज़्यादा समय से है तो हम उसको कहेंगे वेटरन या फिर किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन को हम कहेंगे वेटरन ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं जेनेटिक्स हमने देखा ठीक है द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिसिस्ट वो पर्सन हो गया जेनेटिक हो गया एडजेक्टिव जीन हो गया वो सेल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन को कैरी कर कैरी करती है जीनीोलॉजी जीनीोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैमिली ट्रीज़ जीनियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जीनियोलॉजिकल हो गया एडजेक्टिव रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ फैमिली ट्रीज़ जेनेटल हो गया वो रिलेटिंग टू सेक्शुअल ऑर्गन्स ए एल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे जेनेसिस इज नाउन जिसका मतलब होता था बिगनिंग और ऑरिजिन हेरिडिट्री हेरिडिट्री इज एन एडजेक्टिव ठीक है जिसका मतलब है जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इसमें जो सफिक्स लगा हुआ है वो है ए आर वाई ए आर वाई सफिक्स के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ ये एडजेक्टिव सफिक्स के साथ साथ नाउन सफिक्स भी हो सकता है जैसे लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जो सफिक्स लगा हुआ है वो भी ए आर वाई है लेकिन यहाँ पर नाउन है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ये दोनों में आ सकता है कैन यू वर्क विद द वर्ड्स स्टेट ऑफ लगा हुआ है तो नाउन आएगा स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट ठीक है तो इसके लिए जो नाउन था वो है कॉन्ज्यूमेसी करेक्ट स्टेट ऑफ लगा हुआ है तो फिर से नाउन आएगा बींग लॉन्ग established इन अ हैबिट ठीक है वो लंबे समय से तक है वो लंबे समय से उस हैबिट में है तो इनवेटरेसी ठीक है डीप रूटेड है बिगनिंग ऑरिजिन बिगनिंग एक नाउन है एक्चुअली बिगनिंग एक जेरेंड है आप सभी जानते होंगे जेरेंड एक ऐसा वर्व अ वर्व दैट दैट फंक्शन एज नाउन वर्व दैट फंक्शंस एज अ नाउन उसको कहते हैं जेरेंट तो बिगनिंग इज अ जेरेंट जैसे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ ओके तो स्मोकिंग यहाँ पर उस प्रोसेस को कहा गया है तो इट्स अ नाउन एक्चुअली इट्स अ जेरेंट इट्स अ वर् दैट फंक्शंस एज अ नाउन तो इसका हो जाएगा हमारे पास जेनिस नाइन्थ यहाँ पर है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस साइंस है तो नाउन आएगा साइंस ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स कहां पर है? यहां पर ब्रिंग टू to completion टॉप ऑफ देखिए ब्रिंग टू completion वर्ब आएगा Definition से ही पता चल रहा है तो टू कॉन्ज्यूमेट हमने देखा था पर पर है यहां, second number पर है. Study of है तो नाउन आएगा जीनियोलॉजी एनसेस्ट्री यहां पर है नंबर पर रेफरिंग टू है तो एडजेक्टिव आएगा रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन टू ऑफ स्प्रिंग बाई पेरेंट्स ओके okay, तो यह आएगा हमारा हेरिडिट्री ठीक है रेफरिंग टू है तो फिर से एडजेक्टिव आएगा एजेक्टिव सॉरी रेफरिंग टू रिप्रोडक्शन और टू द रिप्रोडक्टिव और सेक्शुअल ऑर्गन्स तो जेनेटल आएगा यहाँ पर है इल फेम उस फेम की बात हो रही है तो नाउन है फेमस एजजेक्टिव है फेम नाउन हो गया इल फेम इल फेम नोटोरिटी पहले नंबर पर दिया हुआ है पार्टिकल उस पार्टिकल की बात हो रही है दैट ट्रांसमिट्स हेरिडिट्री कैटरिस्टिक्स जीन हमने पढ़ा था देखा था स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ लगा हुआ है तो नाउन आएगा बींग बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन इनकोरिजिबिलिटी ठीक है इनकोरिजिबल हमने हमने पढ़ा था तो इनकोरिजिबिलिटी फोर्थ नंबर पर डू यू अंडरस्टैंड वर्ड्स ये आप लोगों को को करना है यस yes, नो no, करना है बस आगे बढ़ते हैं कैन यू रिकॉल द वर्ड्स सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ए एल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव सफिक्स है तो ये वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव आई वी ई भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है तो यहां पर एडजेक्टिव आएगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव इज जेनिटल टू कंप्लीट टू लगा हुआ है तो वर्व आएगा कंज्यूमेट ठीक है वाइड एंड अनफेवरेबल रिप्यूटेशन देखिए उस रिप्यूटेशन की बात हो रही है तो नाउन आएगा ठीक है नोटोरिटी ठीक है पार्टिकल इन द क्रोमोजोम ऑफ अ सेल डेट ट्रांसमिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ये जीन वो पार्टिकल है हमारे सेल में जो कि इंफॉर्मेशन रखता है हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन ओके कंप्लीशन देखिए हमने कंप्लीट टू कंप्लीट जो वर्व हमने पढ़ा उससे हमने नाउन बनाया था ठीक है वो नाउन हमने देखिए कंप्लीशन एक नाउन है तो यहाँ पर नाउन आएगा टू कंप्लीट के लिए क्या था वर्व हमारा कंज्यूमेड तो कंज्यूमेट से हमने क्या नाउन बनाया था आई ओ एन लगाया था ठीक है तो कॉन्ज्यूमेशन कंज्यूमेटनेस नहीं आएगा यहां पर कॉन्ज्यूमेटनेस नहीं आएगा हालांकि कॉन्ज्यूमेटनेस भी नाउन है लेकिन इसका मतलब यह होता था द स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट ओके द स्टेट ऑफ आर्टिस्ट्री हाइट इसका मतलब ये एडजेक्टिव वाले कॉन्ज्यूमेट से बना था ठीक है तो इसका मतलब कंप्लीशन नहीं होता ठीक है जो वर्व वाले कॉन्ज्यूमेट से बना था उसका मतलब कंप्लीशन होता है तो यहां पर कंज्यूमेशन आएगा कॉन्ज्यूमेटनेस नहीं आएगा इसका मतलब कंप्लीशन नहीं होता सिक्स देखते हैं इनएबिलिटी टू बी रिफॉर्म्ड उस एबिलिटी रैदर इनेबिलिटी की बात हो रही है ठीक है तो एबिलिटी तो हमारा नाउन है ना तो यहां पर आएगा नाउन आएगा इनएबिलिटी टू बी रिफॉर्मड रिफॉर्म इज इनकोरिजिबिलिटी इनकोरिजिबल हमारा एडजेक्टिव है ठीक है इनकॉरिजिबल कब आता जब यहां पर ऐसे लिखा होता हो, ये, हो, ये, होता अनेबल टू बी रिफॉर्म्ड या फिर कैनॉट बी रिफॉर्म्ड तब आता इनकोरिजिबल सेवेंथ है द साइंस तो नाउन आएगा उस साइंस स्टडी की बात हो रही है द साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज जेनेटिक्स रिफरिंग टू लगा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनहेरिटेड हेरिडिट्री बिगिनिंग और ओरिजिन नाउन है बिगिनिंग एक जेरेंड है जेरेंड इज इज अ वर्ड दैट फंक्शन एज अउन जेनेसिस आएगा स्टूडेंट ऑफ फैमिली रूट्स उस स्टूडेंट की बात हो रही है तो जीनियोलॉजिस्ट हाइट ऑफ उस हाइट की बात हो रही है तो नाउन आएगा ना हाइट ऑफ स्किल ओके या फिर हाइट ऑफ आर्टिस्ट्री तो जो हमने कॉन्ज्यूमेट एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाया था वो वाले नाउन आएंगे दो यहां पर कॉन्ज्यूमेटनेस था एक और कॉन्ज्यूमेंसी कॉन्ज्यूमेसी था कॉन्ज्यूमेटनेस और कॉन्ज्यूमेसी करेक्ट ट्रांसमिटेड बाई हेरिडिटी ठीक है ट्रांसमिटेड बाई हेरिडिटी एडजेक्टिव कैसे पता चला ये उस कंडीशन को बता रहा है जो हेरिडिटी से ट्रांसफर हुई है ठीक है वो उस कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर डिस्क्राइबिंग फ्रेज या फिर डिस्क्राइबिंग एक्सप्रेशन एक एडजेक्टिव होती है तो यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव तो वो होगा जेनेटिक करेक्ट क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ होता है नाउन तो नाउन आएगा क्वालिटी ऑफ ए हैबिट दैट हैज बीन स्टेब्लिश ओवर मेनी ईयर्स मतलब डीप रूटेड है बहुत सालों से है तो हमने पढ़ा था इन्वेटरेट उसका नाउन लिखना है तो इन्वेटरेटनेस इन्वेटरेटनेस In -e या फिर दूसरा हमने देखा था इन्वेटरेसी एसी वाई लगा दिया था ए सीवाई इज ए कॉमन नाउन सफिक्स ठीक है अब पर्सन उस पर्सन की बात हो रही है लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड एट अ प्रोफेशन आर्ट और बिजनेस इज वेटरन पर्टेनिंग टू लगा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन इज जीनियोलॉजिकल एंड ऑफ सेशन 15 अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दूसरों को भी रिकमेंड करें और अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें और अगर नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस करेंगे तो अगले सेशन का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ, मिल जाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक रिक्वेस्ट है अपना फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दे दिया कीजिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को और चाहिए या फिर जो भी आप लोगों का है मुझे प्लीज़ आप फ़ीडबैक जरूर दिया करें ये आपका ही चैनल है ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है तो योर फीडबैक इज़ ऑलवेज़ एप्रिशिएटेड प्लीज़ अपना फ़ीडबैक आप आ, कमेंट में ज़रूर दें जिससे कि मुझे पता चले आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है मैं आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ मैं आई एम द सोल क्रिएटर ऑफ दिस चैनल और मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल करता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ीडबैक जरूर दीजिएगा इससे चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिलेगी तो मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पर हम देखेंगे औरिजिनस और उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया थैंक यू सो मच